प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचनों में बंदूक की गोली की ताकत आ जाती है। गोली खाली हाथ से मारो कोई असर नहीं होता, बंदूक में डाल के मारो सामने वाला मर जाता है, इतनी चोट करती है। महापुरुषों के वचनों में कमाई की ताकत होती है। जब वो कुछ कहते हैं, और इसका तो प्रमाण भी है इतिहास में, SGPC हरमंदर साहब की कमेटी किसी को संत नहीं मानती, क्योंकि वहां पर ये धारणा है, थोड़े कट्टर है वहां पर। पर एक को संत की उपाधि दी आज तक उन्होंने, वो है संत अतर सिंह जी मस्तुआणी वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना शायद पहले दास ने सुनाई भी है, पर नई संगत बहुत है, छोटी सी कह के आगे बढ़ेगा दास। नाम की ताकत की बात हो रही है यहाँ पर, श्री जपजी साहब जी की वाणी की ताकत क्या है। काफी समय पहले की बात है, संत अतर सिंह जी मस्तुआणी वाले के समय की बात है, और ये घटना बार बार बहुत सारी स्टेजों पर सुनाई जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। SGPC ने सोचा कि डेरावाद बढ़ते जा रहे हैं, डेरे बढ़ते जा रहे हैं, सब लोग डेरों में जा रहे हैं, हम भी प्रचार करेंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उन्होंने बहुत बड़ा, बहुत खर्चा करके एक बहुत बड़ा मैदान पर बहुत बड़ा तंबू लगवाया, जहाँ पर कीर्तन दरबार करवाया। बड़े से बड़े रागी कीर्तनीय कीर्तन कर रहे हैं, और एक ही बात रखी उन्होंने सबसे, कहा कि सब एक ही प्रकरण पर प्रचार करेंगे, वो है अमृत छकना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ताकि संगत का मन बने और अमृत छकने के लिए तैयार हो, गुरु वाले बने सब। सात संगत जी, 40 दिन का यह समागम, सवा महीने का रखा था, 40 के 45 दिन का समागम था ये जो रखा गया। एग्जैक्टली फिगर मुझे याद नहीं। जब आखिरी के 2-3 दिन बचे ना, तो कमेटी बैठी कि कितने लोग तैयार हुए अमृत छकने के लिए। नाम देखे तो केवल कुछ गिनती के नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब घबरा गए भी, हमारी तो क्या जवाब देंगे लोगों को, इतना पैसा खर्च कर दिया, इतने कीर्तनी बुला लिए, और अमृत छकने के लिए इतनी संगत रोज आती है, बैठी होती है हजारों की तादाद में, और अमृत छकने के लिए केवल कुछ लोग तैयार हुए। आपस में विचार करने लगे, क्या करें, ये तो हम किसको जवाब देंगे, और हमारी इज्जत का क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कमेटी में कोई था जो संत अतर सिंह जी मस्तुआणी वाले को संगत करता था, कहने लगा मेरी बात मानो तो मैं कहूँ, क्योंकि आप मानोगे नहीं। कहने लगे कहो, अब कोई तो रास्ता होगा। कहने लगे संत अतर सिंह जी मस्तुआणी को बुलाओ, एक दीवान उनसे करा लो, देखो कितनी संगत तैयार होती है अमृत छकने के लिए। पर वो आपस में विचार करने लगे, भाई कि हम तो संतों को मानते नहीं, डेरावाद के खिलाफ ही तो हम ये कर रहे थे कि संगत यहाँ जुड़े, लोग संतों के पास जाते हैं सब। पर जब कोई चारा नहीं दिखा, सबने मन बनाया कि ठीक है, कोई बचा ही कुछ नहीं रास्ता, आखिरी दिन आ गया, 2 दिन बाकी हैं, तो संत अतर सिंह जी मस्तुआणी वालों को बेनती की, संत अतर सिंह जी मस्तुआणी वालों को बेनती की कि आप एक दीवान दे दो, संगत को प्रेरणा दे दो। सात संगत जी, संत अतर सिंह जी मस्तुआणी वाले आए, 20 मिनट की हाजिरी भरी, ढोलों और छैनों के साथ कीर्तन करते थे, और क्या गाया कुछ भी नहीं, खड़े रह के सिर्फ इतना, कलगी तर दे पुत्रो तियो, अमृत पियो अमृत पियो, सारे गाओ, कलगी तर दे पुत्रो तियो, अमृत पियो अमृत पियो, ओ कलगी तर दे पुत्रो तियो, अमृत पियो अमृत पियो। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। क्या गाया उन्होंने, गुरबाणी की पंक्तियां भी नहीं ली, गुरबाणी की ताकत तो अपरंपार है, एक धारणा गाई बस, एक धारणा, दो लाइनें,
दास ये सोचता है अगर गुरबाणी की पंक्तियां गा दी होती तो क्या होता, प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। धारने की दो पंक्तियां गाई, सात संगत जी सारा पंडाल, लगभग सारा पंडाल अमृत छकने के लिए तैयार हो गया। क्या किया उन्होंने, कोई विशेष कीर्तन, कोई 50 लोग साथ में गा रहे हैं, साज बजा रहे हैं, म्यूजिक है, नहीं, कमाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का आशीर्वाद है सर पर, हाथ है सर पर। क्यों है, सवा सवा लाख श्री जपजी साहिब जी के बाणी के पाठ दो बार, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस जपजी साहिब जी की बाणी की ताकत को पहचानिए। 20 मिनट तक उन्होंने ये धुनी लगाई, कोई बेनती की कि बस अमृत छक लो, गुरु के जहाज पर चढ़ जाओ। सब ने अमृत छक लिया सत्संगत जी। ये देखकर कमेटी हैरान हो गई कि इतने दिनों तक इतने कीर्तनी इतना कुछ बोलकर चले गए पर किसी पर असर नहीं। ये महापुरुषों ने केवल 20 मिनट एक धारणा गाई, सारी संगत अमृत छकने के लिए तैयार हो गई। उनको SGPC ने सम्मानित किया संत के नाम से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इतिहास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।